नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, नागिन 6 के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो रात आने वाली है, वो कयामत की रात आने वाली है, जब प्रथा की सारी शक्तियां पूरी तरह से छिन जाएंगी, प्रथा पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगी, प्रथा के पास कोई चारा नहीं होगा अपने आप को बचाने का, देश को बचाने का, इस मिट्टी को बचाने का। लेकिन तब प्रथा का सबसे बड़ा मसीहा उसकी जिंदगी में आने वाला है, ऋषभ। जी हाँ, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो मसीहा बनकर आएगा और प्रथा की शक्तियाँ जो हैं वो लौटाने वाला है प्रथा को, क्योंकि ऋषभ का किरदार जो है वो काफ़ी रहस्यमयी बना हुआ है। उसके कई सारे रहस्य हैं जो कि आने वाले धमाकेदार एपिसोड में सारे के सारे रहस्य जो हैं उनका खुलासा होगा। और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को ये बात भी बताना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ ऋषभ का कैरेक्टर काफ़ी सस्पेंस से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऋषभ ना चाहते हुए प्रथा की मदद करेगा और प्रथा की शक्तियां वापस लौटने में नागमणि जो है प्रथा को सौंपने में सबसे बड़ी मददगार साबित होने वाला है ऋषभ। लेकिन ऋषभ को नागमणि सौंपने में यहां पर वो इतना आसान नहीं था उसके लिए, क्योंकि यहां पर ऋषभ जो है सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो देने वाला है प्रथा की शक्तियों को वापस लौटाने में। जी हाँ, प्रथा की शक्तियाँ वापस लौटने में यहाँ पर ऋषभ देने वाला है सबसे बड़ी कुर्बानी। क्या है वो कुर्बानी, आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तान क्विक टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, आने वाले धमाकेदार एपिसोड में प्रथा का जन्मदिन आने वाला है और प्रथा के जन्मदिन के खास मौके पर प्रथा जो है मंदिर जाने वाली है और मंदिर जाकर वहां पर प्रथा की विशेष पूजा होनी है, जहां पर महक और उसका बाबा पूजा करते हुए नजर आएंगे और प्रथा की नागमणि को शुद्धिकरण किया जाएगा और शुद्धिकरण होते होते प्रथा का बाप और साथ ही साथ पांचवा असुर जो है वो चोरी कर लेगा नागमणि को, जिसके बाद नागमणि नहीं रहेगी प्रथा के पास और डुप्लीकेट नागमणि होगी, जिससे प्रथा जो है वो शेष नागिन नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर प्रथा को शेष नागिन नहीं बन पाएगी, लेकिन प्रथा की जिंदगी में उसकी शक्तियां लौटाने वाला है यहां पर ऋषभ। अब वो कैसे होगा ये देखने को आप सभी दर्शकों को मिलेगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कुर्बानी भी देता हुआ नजर आएगा। नागमणि को खोजते खोजते अब वो अपना खून देने वाला है। जी हां, होने वाला है बड़ा हादसा ऋषभ के साथ और ऋषभ उस हादसे का शिकार हो जाएगा और ऋषभ को लगेगी बहुत सारी चोटें और साथ ही साथ नागमणि को खोजने के चलते ऋषभ को लगने वाली है बहुत सारी चोटें, जिसकी वजह से ऋषभ जो है पूरी तरह से घायल हो जाएगा। ऋषभ के शरीर से निकलने लगेगा खून और इस तरह से नागमणि को तो वो पा लेगा, ढूंढ लेगा और नागमणि दे देगा, सौंप देगा यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि प्रथा को, जिसकी वजह से प्रथा पूरी तरह से शक्तिशाली बन जाएंगी। अब नागमणि का चोर कौन है, तो नागमणि का चोर गुजराल फैमिली में ही है और ये बात जो है वो पता चल जाएगा आने वाले धमाकेदार एपिसोड में और ऋषभ और प्रथा के बीच की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये चीजें जो है आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। सो कहानी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है दोस्तों आने वाले एपिसोड की। आने वाले एपिसोड को आप देखने के लिए हो जाइए पूरी तरह से तैयार। कितने ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं। और आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों।